राजा श्वेत की कथा कहती क्यों कहते हैं? राजा श्वेत शिव मंदिर में बैठा है, भगवान शंकर का भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, और शंकर के भजन कीर्तन में शंकर के स्मरण में डूबा हुआ राजा श्वेत। और इतने में यमराज ने भेज दिया, जाओ यमदूतों, राजा श्वेत का अंतिम समय है, उठा कर लिया। और यमदूत गए राजा श्वेत को उठाने के लिए। और जब यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए जाते हैं, इतने में राजा श्वेत भगवान शंकर पर जल चढ़ा रहा था, और वो जल बहकर नीचे की ओर जा रहा था। जाते समय वो जल कार्तिकेय बाबा को और श्री गणेश जी महाराज को लगा, तो कार्तिकेय जी ने उठकर उन यमदूतों को भगा दिया। यमदूत चले गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, किसी व्यक्ति को बड़ा रोग हो जाता है, कोई व्यक्ति को तकलीफ आ जाती है, कष्ट आ जाता है, तो कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि तुम कनक धारा का पाठ करो, कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि तुम श्री सूक्त करो, कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि तुम पुरुष सूक्त करो। अगर ब्राह्मण कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि तुम जाओ और महामृत्युंजय का जाप करो। क्यों? क्योंकि अगर काल से भी कोई छुड़ा सकता है तो वो मेरा महाकाल ही हो सकता है, इसके सिवा कोई नहीं। क्योंकि काल पर अगर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो वो शंकर ही, मेरा शंभु, मेरा दयालु, मेरा शिव ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं, शंकर के सिवा। जैसे यमदूत आए, कार्तिकेय महाराज ने उनको भगा दिया। यमदूत ऊपर गए, सबके चेहरे लाल हुए थे, सबको चोट लगी हुई थी। यमराज ने पूछा, ये तुम्हारी दशा किसने कर दी? महाराज, हम नीचे गए थे राजा श्वेत को लेने के लिए, पर कार्तिकेय बाबा ने हमको मार भगा दिया। इतने में यमराज बोले, क्या बोलते हो तुम? हाँ, स्वयं स्वयं मृत्यु देवी को यमराज ने भेज दिया, जाओ मृत्यु देवी, पूछने की जरूरत नहीं है मृत्यु देवी, केवल राजा श्वेत के तुम्हें प्राण हरना है और मृत्यु देकर आना है, जाओ मृत्यु देव। और यमराज ने, धर्मराज ने मृत्यु देवी को जैसे ही भेजा, मृत्यु देवी जैसी गई तो राजा श्वेत पर टूटने वाली थी, इतनी देर में कार्तिकेय उठकर खड़े हुए, शंकर भगवान ने त्रिशूल लिया और लेकर मृत्यु देवी की ही मृत्यु कर दी, मौत मर गई, मृत्यु मर गई। यमराज को सूचना मिली कि मृत्यु देवी मर गई, यमराज की आंखों में अश्रु भर गए कि मृत्यु देवी चली गई। हाँ, यमराज को क्रोध आया और यमराज भैंसे पर चढ़कर मृत्यु देवी के सम्मुख में जब पहुंचे और जाकर राजा श्वेत के गले में फंदा जो डाला, तो भगवान शंकर उठकर खड़े हुए और त्रिशूल लेकर भगवान ने उस यमराज को भी मार दिया, यमराज भी मर गए। यमदूत तो गए थे, मृत्यु देवी तो मरी थी, साथ में यमराज भी मर गए। यमराज के जब प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड हिलने लगा, सारे देवता आकर भगवान शंकर के सामने जाकर खड़े हो गए। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव कृपा करो। शंकर भगवान ने पूछा, हुआ क्या प्रभु, आपने इसको माना क्यों? भगवान शंकर बोले, भूमंडल पर आकर, पृथ्वी पर आकर, मृत्यु लोक में आकर, अगर ब्रह्म लोक में जाना है तो ब्रह्मा से पूछना पड़ेगा, वैकुंठ में जाना है तो भगवान विष्णु से पूछना पड़ेगा, इंद्र लोक में जाना है तो इंद्र से पूछना पड़ेगा, लोक में जाना है तो आर्यमा स्वामी से पूछना पड़ेगा, और मृत्यु लोक में अगर यमराज को आना है किसी को भी लेने के लिए तो शंकर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। तो इसने बिना पूछे इसको उठाया कैसे? किसी के घर में जा रहे हो, कोई वस्तु उठा रहे हो, तो पहले पूछो तो काका जी ये ले जाऊं, काकी जी तुम्हारे यहाँ से कटोरी चाहिए ले जाऊं, प्रेस चाहिए ले जाऊं, पहले पूछो तो सही कि क्या लेकर जाना है आपको। वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। जरा भोला है, बहुत सीधा,
और घर में जो भोला होता है ना उसको लोग थोड़ा गिनते कम है, उसी तरह सबकी आदत है। सबको देखना जिनके घर में जो भोला होगा ना लोग उसको गिनते ही नहीं, बहुत सीधा साधा, कोई बुआ भोली है, कोई जीजी भोली है, तीन चार बेन में एक बेन बहुत भोली, बाकी की जो चटपट है ना वो तो कीने में पीछे हटते ही नहीं, वो भोले वो जा। पर जो भोला है सहज सरल वो भोला। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कह दिया था, भोलेनाथ सारी दुनिया के लोग भगवान विष्णु को भजते हैं बैकुंठ जाने के लिए, ब्रह्मा जी का भजन करते हैं ब्रह्मलोक जाने के लिए, दुनिया के लोग सारे देवी देवताओं को पूछते हैं, अपन तो शमशान में बैठे कोई मिलने तक नहीं आता। शंकर भगवान बोले तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मिलने आएगा नहीं तो बांध के लाया जाएगा, पर एक दिन तो आएगा, तुम चिंता मत, और जिस दिन आएगा उस दिन वापिस कभी नहीं जाएगा, तो टेंशन मत, अगर आ गया तो जाना नहीं, तू काहे को चिंता करती। और नी भी आएगा ना तो उसको बांध बांध कर लाएगा, तुम देखना अर्थी बांधने वाले जरा एक्सपर्ट होते, खींच खींच के बांध कर ले जाता अच्छे दमदार, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी खींच खींच के ले जा रहा है, बांध बांध अच्छे दमदार। तू काहे को टेंशन लेती चिंता करती, बैठे रह भजन कर तू तो राम जी को भज, भोला और जो भोला होता है, इसीलिए तो शिव कथा कहती है कि तुम पड़ोस की काकी के कितने भी पांव पड़ लो, तुम पड़ोस की काकी को कितनी भी चाय पिला लो, कभी पड़ोस की काकी तुम्हें जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, जायदाद का हिस्सा तो सास ही देगी, भले पांव पड़ो मत पड़। उसी तरह तुम चाहे कितना भी नारायण भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े ब्रह्मा भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो भज लो। और कई लोग कहते हैं शंकर का प्रसाद मत लो, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाओ, कई कई को इतने कट्टर होते हैं कि हम तो नारायण वाले, वो कहता हम शिव जी वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। तो शंकर भगवान कहते हैं भले प्रसाद मत लो, भले तुम मेरे मंदिर मत आओ, एक दिन तो आओगे ना उस दिन निपट लूंगा, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा बापड़ा, तीन दिन ठंडा निकलने दूंगा, तो काय को चिंता करता, जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाए। सास भी बिल्कुल शिव जैसी होती है, सास और शंकर दोनों एक जैसे। सास को मालूम है तो पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला ले, काकी जी काकी के अचार पूछ ले कि काकी अचार कैसे बने, घर में सास बैठी उससे नहीं पूछ रही, घर में सास बैठी उसको प्रणाम नहीं कर रही, पड़ोस को प्रणाम करने जा रही, मौसी सास आई तो प्रणाम करे, चाची सास आई तो प्रणाम करे, और घर की सास को कभी कब चाय नहीं पिला, तो सास भी बैठी अलमस भोला भंडारी जैसी, आज जिस दिन आएगी ना बेटा अंगूठी के लिए उस दिन देखूंगी थाले, काय को चिंता कर। देख शिव की कथा कहती है शंकर भोला शिव ओघड़ी, शंकर भगवान बोले यमराज अगर मृत्यु लोक में तुम्हें आना था तो पहले हमसे पूछना था क्या राजा श्वेत को ले जा सकते हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु कर रहे हैं, नारायण बोले इसको जिंदा कर दो, भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु देवी और यमराज दोनों को जीवित कर देता हूं, पर इनको वचन देना पड़ेगा, ये वचन दे, क्या वचन, जीवित किया, उठ के खड़े हुए मृत्यु देवी और यमराज, यमराज वचन दीजिए यदि कोई मेरा भजन कर रहा होगा, यदि कोई मेरा नाम जाप कर रहा होगा, स्मरण कर रहा होगा, तो आप उससे कोसों दूर रहें। इसलिए किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए, क्योंकि जाप चलेगा तो इसको सुख मिलेगा। भगवान शिव का भजन कर लीजिए,